अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि आज से दो दिन बाद है मेरी एग्जीबिशन जो लास्ट ईयर भी हुई थी चिनाब क्लब में, वहां पे मैं अपना फूड स्टॉल लगाऊंगी। और लेकिन इस बार लास्ट ईयर भी लगाया था लेकिन इस बार चीजें कुछ अलग है जो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। तो आज है फ्राइडे और संडे को मेरी एग्जीबिशन है, मतलब मेरे पास सिर्फ आज का और कल का दिन है। संडे को तो सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगी, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारे आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगी, तैयारियों से लेके कैसे कैसे कौन कौन सी चीज मैं बनाऊंगी, मेरा मेन्यू क्या है, कौन क्या क्या चीज बनाएगा, एग्जीबिशन के अंदर क्या क्या होता है और उसके बाद क्या क्या होता है सब दिखाऊंगी। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, मैंने हेयर कट करा लिया है फाइनली और उसने इतना खराब किया है कि ये वाले बाल छोटे हैं और ये वाले बड़े हैं। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं जाके इसको सही करा लूं, तो इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा मुझे। अब दिन दो है लेकिन काम बहुत सारे हैं, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तैयारी शुरू की थी सबसे पहले कपकेक्स बनाने से, और यहाँ पे चॉकलेट कपकेक्स मैं बना रही थी फ्राइडे की शाम को, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं कि सब कुछ सैटरडे को बनता, क्योंकि संडे सुबह सुबह तो निकल जाना था, तो सैटरडे को सारी चीजें बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो जो चीजें एक दिन तक बिल्कुल फ्रेश रह सकती थी उनको फ्रिज में रखा जा सकता था, वो मैं बनाई थी फ्राइडे की शाम को। और आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या क्या बनाऊंगी मैं। और हाँ, आप लोगों को सबसे पहले मेरा मेन्यू बता देती हूँ। तो हमारे पास थे चॉकलेट कपकेक्स, कैरमल कपकेक्स, ट्रिपल चॉकलेट संडे, व्हाइट सॉस पास्ता, सिंगापुर राइस, क्लब सैंडविचेस, रशियन सैलेड और बेवरेजेस में पानी और कोला नेक्स थी हमारे पास। तो आगे आप लोगों को सब कुछ मैं बारी बारी करके दिखाऊंगी। और आप लोग मेरा डोरा हेयर कट तो देख ही सकते हो, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, वो भी एन एग्जीबिशन पे। मतलब मैं जिनसे हमेशा हेयर कट कराती हूँ ना, मैं उन्हीं के सलोन पे गई और उस टाइम बारिश शुरू हो गई बहुत तेज, तो हमें टाइम पे घर पहुंचना था, तब टाइम भी नहीं था जाया करने के लिए। तो उनकी वाइफ थी वहां पे, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा ही करेंगे, इनसे करा लेती हूँ। मैंने उनसे कराने की गलती कर ली और उन्होंने मेरे बालों की ऐसी बर्बादी फेरी कि आप लोग देख ही सकते हो। उन दिनों मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं दोबारा जाके इसको सही करवा के आऊँ, खैर बाद में जाके तो मैंने सही करवा ही लिया, आप लोग वीडियोज में देख चुके हो गए, वो ऐप मेरा सही वाला जो कि खैर सही तो अभी भी नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या ही किया है दोबारा भी जब मैं सही करवाने गई, तो मतलब पता नहीं उन्हें बिठाया हुआ क्यों है वहां पे लोगों के बालों को खराब करने के लिए। मेरे दिल से तो अभी भी गालियां निकलती हैं जो मैं यहाँ पे तो दे नहीं सकती। यहाँ कपकेक्स बना रही थी मैं, मेरा एक ना ऑर्डर भी था तो उसके लिए तो मैंने बनाने ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब ये भी साथ ही बनाती हूँ, एक ही बैच बन जाएगा। अच्छा, मैंने मेरी रेसिपी को डबल कर लिया था, उससे 24 कपकेक्स बनते हैं, मुझे लगा था इनफ होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे दोबारा एक और बैच बेक करना पड़ा। मेरा जो ऑर्डर था केक पॉप्स का था, उसमें जो तोड़ के कपकेक मैंने यूज करने थे वो इसी में से यूज किए थे और उसमें काफी सारे चले गए थे, और जो संडे बनाया था उसमें भी मैंने ये यूज करने थे, तो वो काफी सारे इन दोनों चीजों में चले गए, इसलिए मुझे और बनाने पड़े थे। तो ये ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया था। उसके बाद मैंने कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग करनी शुरू की थी, ये रात को 11-12 बजे का टाइम था। पहले चॉकलेट कपकेक्स की मैंने फ्रॉस्टिंग की, उसके बाद कैरेमल की, और वैसे मैंने सोचा था थोड़े से वनीला भी बनाती हूँ लेकिन अच्छा हुआ नहीं बनाई, क्योंकि जब मेरे चॉकलेट कपकेक्स सारे खत्म हो गए थे ना, तब भी बच्चे आके बोल रहे थे कि हमें चॉकलेट कपकेक ही चाहिए, तो अच्छा हुआ कि मैंने नहीं बनाए। खैर, मैंने कपकेक्स में सब में यही डिजाइन बनाया था, कैरेमल और चॉकलेट दोनों में ही, क्योंकि आजकल ये डिजाइन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद फ्रॉस्टिंग करके अच्छे से इनको एयर टाइट करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद संडे की बारी, संडे के लिए मैं ये ग्लासेस लेके आई थी, इनका ढक्कन भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें पहले जाती है केक की लेयर, कपकेक्स को तोड़ के यूज करती हूँ मैं, उसके बाद जाती है चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग की लेयर और फिर जाता है चॉकलेट गनाश, और इसी को हम रिपीट करते हैं 2 बार। और इस तरह से इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए थे, ढक्कन पे मैंने स्टिकर्स इस बार पहले लगा के, ये सारे काम ना मैंने पहले करके रखे हुए थे छोटे छोटे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों को स्टॉल पे जाके ये सब काम करने पड़े थे, इतना कम टाइम हो गया था हमारे पास। तो इनको भी हमने अच्छी तरह से बंद करके इसमें रख के तो फ्रिज में रख दिया था क्लिंग रैप करने के बाद, ताकि कुछ भी जरा सा भी इसमें कोई पानी शानी ना जाए। और उसके बाद हम लोग सो गए थे, काफी लेट हो गया था, देन नेक्स्ट मॉर्निंग उठे थे, बहुत बहुत सारे काम पड़े हुए थे, तो सुबह उठते ही शुरू हो गए थे। आप लोगों को बताती चलूं, मेरे साथ मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मतलब अकेले करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता इतना सब कुछ, तो वो लोग हेल्प मेरे साथ बराबर पे करते हैं, जितना मैं थकती हूँ उतना ही वो भी थकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना क्लब सैंडविचेस के चिकन की तैयारी शुरू की थी, मैंने सोचा था सबसे पहले ये बनाती हूँ क्योंकि ये भी इजीली एक दिन तक आप रख सकते हो, तो मैंने इनको बना के फ्रिज में रखना था सबसे पहले। अच्छा, मैं ना इस सीक्वेंस से चल रही थी कि जो चीज बिल्कुल फ्रेश चाहिए होगी वो मैं एंड पे बनाऊंगी, और जो चीज को हम कुछ घंटे रख सकते हैं, एक दिन रख सकते हैं या एक रात रख सकते हैं, वो मैं पहले बनाऊंगी, तो इसी तरह से मैं बना रही थी। तो यहाँ पे चिकन जो है वो रेडी हो गया था और इनकी रेसिपी पूरी अपलोडेड है, मैं बहुत साल से वही रेसिपी बना रही हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं वो। तो खैर, यहाँ पे चिकन रेडी हो गया था, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रेड, सब्जियाँ और उसके अलावा जो मेयोनीज और अंडे वाला लेयर होती है वो भी तैयार थी, और बस हमने इन सबको असेंबल कर लिया था। पहले हम लोग ना एक एक करके करे थे, तो
बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। फिर हमने टेबल को साफ करके ना, तो इस तरह से पूरे टेबल पे इनको एक ही साथ सबको असेंबल कर लिया था, मतलब चार चार ही एक बार में हुए थे, तो हमने उनको असेंबल कर लिया था। और सारे बनाने के बाद इस तरह से फ्रिज में रख दिए थे सजा के। और ये हम लोगों के पास ना यार रूम फ्रिज बड़े टाइम से पड़ी है, तो हमने सोचा कि ये सही टाइम है इसको यूज़ करने का, तो इसको भी अभी इस्तेमाल में ले आते हैं। खैर हमने इसमें रख दिए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को बेवरेजेस दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोला नेक्स्ट मंगवाई थी मैंने दो पेट, और पानी का मैंने वैसे एक ही लेके आना था, लेकिन पापा गए थे, मैं उस टाइम सो रही थी, तो वो ये भी दो ले आए। कोल्ड ड्रिंक्स के अगर चार पेट भी होते तो वो सेल हो जाते, लेकिन पानी का हमारा एक हुआ था, एक बच गया था। अच्छा अब गर्म पानी और कोल्ड ड्रिंक तो कोई पिएगा नहीं, गर्मी इतनी है सबको ठंडा चाहिए होगा, तो ठंडा करने का इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मैंने ये आइस बॉक्स खरीदा है जिसपे मेरे पैसे तो लगे, बड़ा दुख है मेरी जेब पे, लेकिन ये हमारे काफी काम आ गया था। इसके अंदर अच्छा इस तरह होता है कि हम बर्फ डाल देते हैं, उसके ऊपर जो भी चीज रखनी है ना वो रख देते हैं, तो बर्फ जो है वो बहुत टाइम तक इसमें मेल्ट नहीं होती है, जमी रहती है, और उसकी वजह से चीज भी ठंडी रहती है। और इसने हमारा बहुत साथ दिया था। इसमें सिर्फ मैंने दो बार बर्फ डाली थी, एक बार मैं घर से डाल के ले गई थी, एक बार मैंने दोपहर के टाइम वहां पे रिफिल की थी, और ये रात आने तक भी इसने हमारे पानी फुल ठंडा रखा हुआ था। और जो भी आता था वो यही बोलता था कि ठंडा पानी है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, तो इसने हमारा काफी साथ दिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे काम करते कराते रात हो गई थी, तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था, और यहाँ पे मैं रेशन सैलेड को मिक्स कर रही थी। मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये, हर बार ऐसा ही होता है, मुझे पता है कि सैलेड्स जो है वो सेल नहीं होती, वहाँ पे आते हैं अमीरों के बच्चे और उन्होंने खाना होता है सिर्फ फास्ट फूड, उन्हें वही चाहिए होता है, या फिर मीठा भी बच्चे वगैरह खा लेते हैं, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे कोई भी नहीं खाता। लास्ट टाइम हम लोग ने क्रीम फ्रूट सैलेड रखी थी जो मेरी इतनी पॉपुलर है, सबको इतनी पसंद है, बट हमारी एक एक सेल हुई थी सिर्फ लास्ट टाइम। और इस बार फिर से मैंने रशियन सैलेड रख लिया, जबकि मुझे पता था ये नई सेल होने वाली है, और ऐसा ही हुआ था, आप लोगों को आगे बताऊंगी। खैर यहाँ पे मैं इसको बड़े मज़े मज़े से बना रही थी, और मुझे इसके अंदर ये फ्रूट कॉकटेल कम लगा, तो मैंने नया टिन खोल के और डाला, और सारी चीज़ें इस तरह से मैंने इसमें एडजस्ट की, अच्छे से मज़ेदार सी बनाई। और फिर सैलेड के लिए मैं इस तरह के ये लेके आई थी, क्या बोल सकते हैं इसको, जार या फिर डिस्पोजेबल ग्लास बोल सकते हैं, तो इसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दी थी, और ये दिखने में छोटे लग रहे हैं बट इसके अंदर अच्छी खासी सैलेड डल रही थी। इनको भी बनाने के बाद फ्रिज में रख दिया था, आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे सिंगापुर राइस की तैयारी भी हो रही थी, जो मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि इस टाइम पे एक और मसला चल रहा था। तो हुआ कुछ ऐसे था, मैंने ना मेन्यू प्रिंट होने के लिए दिए हुए थे, और फ्लेक्स जो हम लोग ने अपने स्टॉल के साथ बैनर लगाना होता है ना, वो भी प्रिंट होने के लिए दिया हुआ था। संडे को हमारी एग्जीबिशन थी, उसने मुझे बोला था सैटरडे की रात को 10 बजे ले लेना, मैंने कहा ठीक है मुझे तो संडे को ही चाहिए, मैं से ले लूंगी। 10 बजे मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका नेट बंद आ रहा था, तो रिप्लाई तो क्या ही आता, तो मैंने कहा चलो दुकान पे ही होगा। मैं और पापा चले गए, और उसकी दुकान के आगे जाके हम लोग ने देखा कि इसकी दुकान बंद थी, और फिर उसको कॉल की तो नंबर भी बंद था उसका। एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा नहीं यार गुस्सा करूंगी तो काम कौन करेगा। फिर तो हम लोग ने थोड़ा दिमाग लगाया, और उसका जो कार्ड मेरे पास पड़ा था उस पर एक और नंबर था, उस पर कॉल की, और फिर उसको अच्छी खासी सुनाई। खैर उसने भी मान ही लिया कि मेन्यू जो है वो प्रिंट नहीं हो सके थे, फ्लेक्स हो गई थी, तो इसी वजह से वो दुकान बंद करके से भाग गया था। मैंने इसको कहा कि मेन्यू मैं सुबह ले लूंगी, तुम अभी मुझे फ्लेक्स दे के जाओ, क्योंकि मेन्यू के बगैर तो गुजारा हो जाना था, वैसे उससे भी मेरा नुकसान हुआ, वही मैं लोगों को देती तो क्या पता मेरे 2-4 ऑर्डर आ ही जाते। खैर फ्लेक्स मैंने उसे बोला कि लाजमी चाहिए, वो मेरे अभी के अभी मेरे घर दे के जाओ, उसने कहा चलो ठीक है। खैर उसने यहाँ पे मेरे साथ वो सलूक किया था जो चांद रात पे दर्जी लोगों के साथ करते हैं, लेकिन अगर वो ना दे के जाता तो मैंने भी उसके साथ वही सलूक करना था जो कसाई जानवरों के साथ करते हैं ईद वाले दिन। खैर बच गया, दे गया था वो, और फ्लेक्स भी अच्छी प्रिंट हुई थी, आप लोग देख सकते हो जैसा मैंने उसे डिजाइन दिया था वैसा, और क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे। और मेन्यू जो थे वो भी नेक्स्ट डे सुबह 10:30-11 बजे वो घर दे गया था, लेकिन उस टाइम मैं जा चुकी थी और फिर कोई फायदा नहीं था उसके देखे जाने का भी। लेकिन खैर बाद में तो मेरे काम आ ही जाएंगे, और कैसे आएंगे ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो मैंने मेन्यू का कैसा डिजाइन प्रिंट करवाया है, कितने करवाया है, कितने में करवाया है, और क्यों करवाया है, ये सब मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज में बताऊंगी। अच्छा मैं आप लोगों को इतनी स्नीक पीक दे देती हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे चैनल का कॉन्टेंट बहुत डिफरेंट होने वाला है, तो आप लोग मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजे मजे की वीडियोस आने वाली हैं। और इस टाइम पे भी 11-12 बज गए थे और डिनर की बारी आ गई थी फाइनली, और बने थे बैंगन चावल, और ये इतने मजे के थे, इतने मजे के थे। मैंने मम्मा को बोला कि मेरे स्टॉल पे जितनी भी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा टेस्टी मुझे यही लग रहे हैं। अच्छा खैर उसके बाद हम लोग खाने के बाद सो गए थे, और तकरीबन 12 बजे हम लोग लेट गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जल्दी उठना था। लेकिन लेटने के बाद भी सच बताऊं तो मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा था। वैसे भी जब जल्दी सोना ना तब नींद आती नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं आती। तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे नींद आई,
और जब नींद आ भी गई, बार बार आंख खुल रही थी, मुझे लग रहा था ये ना मैं सोती रह जाऊँ। खैर सुबह 5:30 हम लोग सभी उठ गए थे दोबारा से, और यहाँ पे पास्ते की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि अगर इसको रात को बनाते हैं ना तो इसकी सारी सॉस जो है वो ड्राई हो जानी थी और सुबह गर्म करके बिल्कुल ही सूखा सूखा लगना था, तो इसलिए सुबह इसको बनाया था ताकि ये सॉसी सॉसी रहे। बस इसको भी बॉक्सेस में डाल दिया था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मम्मा और भाभी ने किया था वो, और तब मैं तैयार हो रही थी। एग्जीबिशन स्टार्ट होनी थी 11 बजे और मैंने सोचा था कि मैं तो 8 बजे चली जाऊंगी, और वहाँ पे मैं 8:30-9 बजे पहुँच भी गई थी। पहली बार जिंदगी में कहीं मैं टाइम पर पहुँची थी, और इतना टाइम पर पहुँच गई थी कि हॉल खुला हुआ ही नहीं था, तो हम लोग ने जाके खुलवाया, तो अंदर इसकी सफाई वगैरह हो रही थी और पूरा खाली था, आप लोग देख सकते हो। और जो पूरा हॉल आप देख रहे हो एंटर होते ही, यहाँ पे होने वाले थे कपड़े, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, इस टाइप की चीज़ें, मतलब इन चीज़ों के स्टॉल्स होने थे। और वो जो एंड पे रूम आपको दिख रहा है ना, छोटा सा जो आधे लोगों को दिखता भी नहीं है, इसके अंदर जाके फूड स्टॉल्स होते हैं, जो कि बहुत गलत है। मतलब आधे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे फूड के स्टॉल्स भी हैं, लोग आके हमें खुद बताते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे हैं, इवन बाहर भी नहीं लिखा हुआ होता। अच्छा खैर हम लोग पहुँच गए थे और इतना पहले पहुँचे थे कि सबके आने से पहले ही मैंने अपने ना पूरे स्टॉल की सेटिंग कर ली थी। वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आप लोगों को बताती हूँ। लास्ट टाइम जब लगाई थी हमने इधर ही चनाब क्लब में, तो हम लोगों के 2 स्टॉल्स थे, मतलब हम लोगों का एक था, हमारे अलावा एक और था, टोटल 2 थे। इस बार हम लोगों का एक था, हमारे अलावा 2 थे, 3 स्टॉल्स थे। और हम लोगों के जो साथ में था एक स्टॉल, वो तो काफ़ी लेट आए थे, लेकिन जो हमारे सामने था वो भी हमारे से थोड़ी देर बाद आए गए थे, और वो अंकल इतने चालाक थे, ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, हमारे सामने उनका स्टॉल है, उनका मेन्यू भी ठीक था, मतलब हमारे टाइप का था, बट चीज़ें सारी डिफरेंट ही थी, हमारे जैसी सेम कोई चीज़ भी नहीं। उनकी बेटी का स्टॉल था, वो शायद कहीं पर गई हुई थी, तो अंकल और उनका बेटा आया था, तो अंकल इतने चालाक थे, पता नहीं क्या कर रहे थे कि हर कस्टमर इनके पास जा रहा था सीधा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो हमारे सामने वाले थे ना वो काफ़ी लेट आए थे, हम लोग सुबह चले गए थे, वो आए थे दोपहर में, तो हम लोगों के तब तक कस्टमर बन गए थे, तो सारे कस्टमर्स हमारे पास ही आ रहे थे, जो हमें बुरा लग रहा था, मतलब वो भी मेहनत करके आए हैं तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा था कि वो लोग लेट आए इसलिए हमारे कस्टमर पहले ही बन गए थे और वो हमारे पास ही आ रहे थे। तो इस बार तो मैं पहले भी गई, फिर भी पता नहीं क्यों सारे कस्टमर इन अंकल के पास जा रहे थे, आई गेस शायद उनके पास चाय थी, इसलिए जो मैनेजर थी उन्होंने बोला था कि वो सामने वाला स्टॉल चाय कर चुका है तो आप ना करें। मैंने कहा चलो ठीक है। शुरू में तो मतलब हम लोग बिल्कुल फारिग बैठे रहे, इन लोगों के पास सारे कस्टमर जा रहे थे, मैं मुंह देख रही थी सिर्फ, इतना मतलब अंदर अंदर डर लग रहा था, ऐसा नहीं कि जेलसी हो रही थी, बट डर तो लगता है कि अगर मेरी कोई चीज़ सेल नहीं हुई तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, और आप लोगों को आइडिया भी नहीं है मैंने इस सब पे कितने पैसे लगाए। अच्छा आप लोग कॉमेंट्स में मुझे गेस करके बताना कि आपको क्या लगता है इस सब पे मेरा कितना खर्चा आया होगा इस स्टॉल को अरेंज करने पे। मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ कि इस स्टॉल का रेंट 10,000 है। अब आप लोग बाकी का गेस करके मुझे टोटल अमाउंट कॉमेंट्स में बताना, और सही कॉमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। अच्छा खैर हम लोगों का इसी तरह बस बैठे बैठे थोड़े बहुत 1-2 कस्टमर आए, उसके बाद फिर भी इस तरह चल रहा था कि ज्यादा नहीं आ रहे थे। फिर दोपहर में हमारे पास कस्टमर ज्यादा आना शुरू हुए थे, फाइनली थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, पहले तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। अच्छा हम लोगों के जो 1 7 स्टॉल था उन्होंने मुझे खावसे दिए थे, उनके पास खावसे थे तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए मुझे दिए थे। हम सभी स्टॉल ने एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर की। सामने वाला जो स्टॉल था उन अंकल का, वो तब अंकल चले गए थे, उनकी बेटी आ गई थी, तो उन्होंने मुझे कुकी और बनाना ब्रेड दी थी, और फिर मैंने भी दोनों स्टॉल्स को मैं क्या दे के आई थी, सिंगापुरन राइस और सैलेड दे के आई थी, ये दोनों चीज़ें मैंने दे के आई थी। हाउसे वाले स्टॉल पे ना मिंट मार्गरेटा भी था, तो मम्मा कब से मुझे बोल रही थी कि तुम्हें ले देती हूँ तुम पी लो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे टेंशन हो रही थी कि बस मेरा सामान सेल हो जाए, उस टाइम कुछ खाने पीने की होश नहीं होती, लेकिन मम्मा ने इतना बोला और आखिरकार उन्होंने मुझे बगैर बताए ले ही दिया, और जब मैंने पिया ये इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, पी के सुकून मिल गया। अच्छा खैर इसी तरह करते करते रात हो गई थी और हम लोगों का काफ़ी हद तक सामान सेल हो गया था। फिर जो मैनेजर थी ना उन्होंने आके बताया कि बाहर जो मैंने आप लोगों को एंटर होते हॉल दिखाया था ना, उन्होंने बोला कि वहाँ पे ना 1 स्टॉल खाली हुआ है, तो आप सभी तीनों फूड स्टॉल्स वाले ना अपना जो सामान बचा है ना वहाँ पे ले आओ, तो आके आप लोगों का वो भी सेल हो जाए। तो ये सामान जो आप लोग देख रहे हो, थोड़े से सैंडविचेस थे, 2 संडेज थे, थोड़े से कपकेक्स थे और सैलड्स बहुत सारी थी, ये हम लोगों की बच गई। अच्छा हाँ रशियन सैलड का बताती हूँ, वो हमारी एक भी सेल नहीं हुई माशाल्लाह से, मतलब हम लोग सारी की सारी वापस तो नहीं लेके आए थे, वहाँ पे हमने खुद खाई थी। जो स्टाफ वगैरह गार्ड वगैरह अंकल होते हैं ना उनको भी हम हमेशा दे के आते हैं, तो मैंने उन्हें भी दी थी। खैर जैसे हम लोग बाहर आए हमारा सामान इतनी तेजी से सेल हुआ, मतलब ये जो कपकेक्स और संडे हैं इन पे तो बच्चों की लड़ाई होने लग गई थी, ये इतनी जल्दी खत्म हो गए थे। सैंडविचेस भी हमारे सारे सोल्ड आउट हो गए थे और बची सिर्फ सैलड्स ही थी और पानी का एक पैट बच गया था। ऐसा नहीं है कि सारा सेल ही हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें से हमने मतलब ऐसे शेयर भी की हैं। इसके बाद हम लोग घर आए थे और घर आके बस खाना खा के सो गए थे, उस टाइम मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, कोई सामान भी हमने नहीं समेटा ना मैंने कोई वीडियो बनाई, बस हम लोग
सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे थे और नाश्ते में मैंने यही रशियन सैलेड खाई थी, मुझे बहुत पसंद आई है। अगर फाइनली आप लोगों को मेरा प्रॉफिट बताती हूँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, नुकसान हुआ था। पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है, मतलब हमें फायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान हुआ है लेकिन पिछली बार से कम हुआ है। इसी तरह करते करते सीखेंगे। जो स्टॉल का रेंट है ना 10,000, वो हमें लेके बैठ जाता है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।